अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑन निकवी लाहौर रियल इस्टेट के यूट्यूब चैनल से मेरा माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +923224222044। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करूँगा फेज़ 8 प्रॉपर के प्राइजेस के हवाले से, जो कि फेज़ 8 प्रॉपर के अंदर जो प्राइजेस चल रही हैं और क्या वजह बनी जो इस तरीके से प्राइजेस हाई हुई हैं। व्यूअर्स, आज से कोई 2 माह पहले जो प्राइजेस थी वो लगभग जो थी टी ब्लॉक का जो पोर्शन है, जहाँ पे 1700 1400 1500 वाली जो पॉकेट है टी ब्लॉक की, वहाँ पे प्राइजेस थी आज से 2 महीने पहले 2,55,00,000 से लेके 2,60,00,000 तक मैक्सिमम प्राइस थी। वो भी वो प्लॉट था जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉर्नर फेसिंग पार्क 70 फिट रोड के ऊपर होता था। लेकिन अभी जो क्या कहते हैं, रिसेंटली जो प्राइजेज हैं जो इंक्रीज़ हुई हैं 2 माह के बाद, वहाँ पे प्राइजेस चली गई 285 to 275 पे। सेंट्रल लोकेशन प्लॉट चला गया जो कि नॉन कॉर्नर है और कोई बड़ी रोड के ऊपर नहीं है। जैसे 1400 के अंदर 2-3 डील्स हुई हैं अभी, वो 1400 की नंबरिंग के अंदर जो डील्स हुई हैं वो 273-275 के लगभग हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें डब्ल्यू ब्लॉक की, तो डब्ल्यू ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी अपनी प्राइस दोबारा से जो आज से 2.5-3 साल पहले की जो उसकी प्राइस थी वो वहाँ पर आ गया हुआ, वही 3.75 करोड़ का वहाँ पे रेट है। और जो सबसे सस्ता जो इस टाइम पे डब्ल्यू ब्लॉक के अंदर प्लॉट मिलता है वो आपको मिल जाता है वहाँ पे तकरीबन कोई 280-285 का, वो भी बहुत पीछे करके, जो कि 700 वाली जो नंबरिंग है उस साइट के अंदर। इसी तरीके से अगर हम वी ब्लॉक के अंदर बात करें, तो वी ब्लॉक के अंदर प्राइजेस पहले जो प्रीवियस प्राइजेस थी, आज से कोई बहुत पुरानी बात नहीं मैं कह रहा, ये बात है कोई तकरीबन 2-2.5 महीने 3 महीने पुरानी बात होगी, रमज़ान शरीफ से पहले और रमज़ान शरीफ तक की प्राइजेस हैं ये जो मैं आपको प्रीवियस प्राइजेस बता रहा हूँ। यहाँ पर वी ब्लॉक के अंदर कॉर्नर प्लॉट 70 फिट रोड के ऊपर, जो कि 100-200 वाली नंबरिंग है, वहाँ पे कॉर्नर प्लॉट मैक्सिमम भी अगर कोई कोड होता था तो 2,10,00,000 रुपए में कोड होता था, और मिनिमम वहाँ पे प्राइस चलती थी 1,90,000-1,80,000 के इन बिटवीन। और जो वहाँ पे कोई सेंट्रल लोकेशन प्लॉट था तो उसकी डिमांड होती थी 1,65,00,000 से लेके 1,70,00,000 तक। ये लोअर पोर्शन की बात कर रहा हूँ जो कि 100 वाली नंबरिंग है। अगर इसी नंबरिंग के साथ साथ हम ऊपर जाएं हाई टेंशन लाइन से ऊपर, तो वहाँ पे 1.5 करोड़ 1,40,000 तक का रेट था। लेकिन अभी वहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं आज की जो प्राइस है वहाँ पे जो कॉर्नर प्लॉट कोड होता था 2,10,00,000 रुपए में, आज वही कॉर्नर प्लॉट 2,40,000-2,45,00,000 रुपए में कोड हो रहा है। वी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये प्राइजेज एक टाइम में मतलब आज से 3 महीने पहले फेज़ 8 टी ब्लॉक के कॉर्नर प्लॉट्स की होती थी। तो मार्केट के अंदर इंक्रीज़ हुए हैं पैसे, वी यू ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे ऐड हो गए। मतलब ओवरऑल अगर मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दूं, तो फेज़ 8 के अंदर ओवरऑल कोई 25-30 लाख रुपए इंक्रीज़ हुए हैं, 35-1 लाख रुपए आप कह सकते हैं। ये वही वजह है कि जिस टाइम पे हम लोग आपसे कहते थे कि इस टाइम पे वो जो बाइंग टाइम था, बाइंग करें, तो उस टाइम पे भी आप लोग ये कहते थे कि नहीं, कैसे बाइंग होगी, क्या होगा और ये वो। फिर जब हम आप लोगों को कहते हैं कि जी इसको सेल आउट कर दें, तो उस टाइम पे भी आप लोग होल्ड कर जाते हैं। देखिए, करंट सिनेरियो जो मार्केट का होता है वो हमें समझ में आ रहा होता है कि मार्केट किस तरीके से जा रही है। अगर हम आपके लीगल एडवाइज़र हैं या आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो हम अपने पेशे में कहीं ना कहीं तो एक्सपर्ट हैं इस वजह से। अगर तो सारा काम आप लोगों ने खुद करना है, अगर हमारी एडवाइस के ऊपर नहीं चलना, अगर खुद करना है, तो फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि यार आप बेचते वक्त इस तरीके की बातें करते हो और जब आपने ख़रीदना होता है तब आप और बातें करते हो। तो ऐसी बात नहीं होती। जो प्राइस चल रही है अभी, करंट सिनेरियो जो है वो आपके लोगों के सामने है कि एक टाइम पे रमज़ान शरीफ में जो लोग बाइंग का प्लान बना के आए थे फेज़ 8 टी ब्लॉक के अंदर 2.5 करोड़ का बजट लेके, अब उनको 2.5 करोड़ के अंदर चीज़ नहीं मिलती, टी ब्लॉक के अंदर अच्छा प्लॉट नहीं मिलता, वो चला गया 2,75,00,000 रुपए के ऊपर। अब ये जो 2.5 करोड़ का बजट जिनका था वो शिफ्ट हो रहे हैं वी ब्लॉक के अंदर, लेकिन वी ब्लॉक के अंदर भी जो कॉर्नर प्लॉट है वो अब लोग कह रहे हैं कि यार ये इतनी आगे लेना है, ये क्यों लेना है, ये क्या करना है, ऐसे कैसे हो सकता है, हो गया। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। और ये सारा कुछ क्यों हुआ, ये हुआ आपकी CVT स्टैम्प ड्यूटी जो आपके जो ऊपर टैक्सेस थे वो कम हो गए हैं, वो जो आपका 5% टैक्स था वो डिक्रीज़ होके वो रह गया 1%।
तो जब आपकी 8-8.5 लाख रुपए से ट्रांसफ़र 3-3.5 लाख रुपए के ऊपर आ गई तो काम तो होना था। हमने आपको बार बार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रिडिक्ट करते रहे कि काम होगा। चॉइस आप भी आप लोगों को मतलब वीडियोज़ के अंदर ये वाली बातें कहते रहे कि यहाँ पर काम बड़ी तेज़ी से होगा, काम के लिए आप लोगों को बाइंड की तरफ आना चाहिए। और वही के क्या कहते हैं, एक जो आप टाइम था वो आ गया। अगर हम मैं फेज़ 8 की बात करूं, फेज़ 8 के आप ओवरऑल ब्लॉक्स को देख लें, ओवरव्यू कर लें, आप फेज़ 8 की किसी भी तरह की अगर आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं प्लॉट्स के हवाले से, सेल परचेज के हवाले से। लेकिन अब वो बजट जो आप पहले कहते थे, अब वो बजट नहीं रहा। लोगों के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला वो बातें शेयर करूंगा। ये भी वीडियो बड़े टाइम के बाद अब बनी है, चूँकि थोड़ा सा ओवरलोड था काम का, तो वीडियो आज काफ़ी टाइम के बाद फेज़ 8 की मैंने बनाई है। इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन आपके साथ जो है वीडियो पर बातचीत रहेगी। आप हम मेरे से खुद पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक के ऊपर जो कि लोगों के कमेंट्स आते हैं, ट्विटर के ऊपर आप हमें कई लाहौर रियल स्टेट के किसी भी उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इजी अप्रोच के साथ। मेरा कांटेक्ट नंबर +92 322 4222044 है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं फेज़ 8 के हवाले से। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ऑन नकवी, बहुत शुक्रिया।